जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे जी। ये माशाल्लाह से उस्ताद खालसा वाला पट्ठा बैठ रहा है जी, पहले नंबर पे ये माशाल्लाह से बैठा है जी। आज दोस्तों 36 टेम्परेचर लगा हुआ है गर्मी का, और कबूतर भी जो है ना आज बड़े लंबे हो गए हैं जी, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए। पहले नंबर पर ये बैठा है जी, दूसरे नंबर पर ये 20 नंबरी पट्ठा बैठ रहा है जी माशाल्लाह से। ये देखें ये भी आया, बस अभी 2 मिनट में आया जी। बस दोस्तों मैं नीचे गया हुआ था, अभी हैं ऊपर, क्योंकि मैं इनको देख देख के गया हूँ जी। जनाब नीचे आ ही नहीं रहे थे, बैठ ही नहीं रहे थे, तो अभी भी टाइम आपके सामने जिस तरह का। ये देखे दोस्तों सूरज ग्रूप होने वाला, बस तकरीबन 1-2 घंटा रह गया बस सूरज ग्रूप होने में। तो वैसे टाइम अगर आपको ज़रा मैं दिखाऊँ तो 4:34 हो गए हैं जी, 35 मिनट माशाल्लाह से, 4:34 पर ये बैठा है। और ये पीछे आ रहा है 20 नंबरी पट्ठा माशाल्लाह से, और 20 नंबरी पट्ठे के ऊपर देखें ये माशाल्लाह से 17 कबूतर जी आया सामने। ये देखें जी, ये कैमरे में दोस्तों नज़र आ रहा है, ये देखें ये है जी 17 कबूतर माशाल्लाह से आया हुआ है सामने जी। और इसके ऊपर अभी हमारे 2 मज़ीद दोस्तों कबूतर रहते हैं जो अभी तक शो नहीं हुए जी, ठीक है जी। ये 12:01 की जो है ना वो नीचे आई हुई थी, ये 3-5 कबूतर ये नीचे आए हुए थे, 2 फिर जो है ना वो बैठ गए थे। एक लाखा साहब था, लाखे को भी आपने पता जी इस तरह से दोस्तों सुबह उड़ाया था हमने, और एक उड़ाया था हमने दूसरे वाला शहजादे, ध्यान से ज़रा। एक लाखा साहब बैठे थे जी जनाब, और दूसरा उसके साथ मेरे ख्याल में बैठा था टैडी, ठीक है जी, जो हमने पिछली बाजी में डाले हुए थे ये, वो बैठा था जी। और वो तकरीबन बैठे हैं 3 बजे के दरमियान में, 2:30 या 3 इतना ही मतलब टाइम था 2:30 बजे का जब वो बैठे हैं। और ये हिटी बड़ी मारते रहे हैं जी आज भी। तो अभी दोस्तों हमारा रामपुरी लाल आँख वाला कबूतर ऊपर रहता है जो अभी आसमान बंद है, और वो आपको पता है उन्होंने जब बैठना है तभी उन्होंने निकलना है ऊपर से। उन्होंने कल भी परसों भी बाजी के दिन अंदर भी इसी तरह से किया था। बाकी ये जी माशाल्लाह से हमारा 20 नंबरी पट्ठा भी बैठ रहा है जी। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से ये बैठ गया जी माशाल्लाह से दोस्तों, बड़े लंबे आज ही कबूतर हमारे हो गए थे। ये देखिए ये बैठा इधर, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रा। ये देखें दोस्तों ये बैठ गया जी आके माशाल्लाह से, ठीक हो गया जी। ये 20 नंबरी भी बैठ गया, 2 बैठ गए हैं जी, 5 ऊपर रहते थे हमारे टोटल, बाजी वाले सारे हैं अभी भी ऊपर, जो हमने बाजी के अंदर डाले हुए थे वही बैठ रहे हैं जी आके अभी। और कोई नहीं उसके बाद ही नहीं जी, मैंने आज लगाई इनको, कोई कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ये मसला है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया उड़ाते समय कबूतरों को जी। मैंने आपको जिस तरह से दोस्तों बताया था कि पहले मैं 6 बजे का पल्ला मारता था, आज ज़रा मैं लेट ऊपर आया हूँ छत पे, 7 बजे तकरीबन पानी छानी देता रहा हूँ, 7:30 बजे या 7:45 बजे तक जाना मैंने फिर उड़ाया था कबूतरों को। और इसी चीज़ के हवाले से कबूतर जो है ना वो लंबे हो गए हैं, कबूतर बैठे ही नहीं थे जी। बाकी दोस्तों अभी ये 17 कबूतर है सामने उड़ा, ये देखें जो कि बड़ी नीचे हो गए जी, ऊपर गया है, ये देखें ये उड़ रहा, और ये 20 नंबरी माशाल्लाह से जी देखें नीचे उतरने लगे। ये है जी माशाल्लाह से 20 नंबरी हमारा शहजादा जी, ये जोड़ी जी बैठी है अभी। और 17 कबूतर ये देखें ये आ रहा है दोस्तों। जो भाई पूछ रहे थे अपडेट यार, हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें सारी, जब आप परिंदे उड़ाते हैं उनकी लैंडिंग ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें, सारी वीडियो दिखाया करें। तो ये उनके भाइयों के लिए है जी, ये देखें ये 17 कबूतर है जी माशाल्लाह से हमारा उड़ा भी। तो दोस्तों अभी जो है ना बड़ी हालत है कुछ इस तरह की नाजुक बनी हुई है जी, कि रामपुरी कबूतर हमारा और लाल आंख वाला कबूतर हमारा दोनों मेन कबूतर हैं जी अभी हमारे ऊपर दोस्तों। अगर ये उस्ताद खालसा वाला होता ना तो फिर तो टेंशन कोई नहीं थी होनी, फिर तो हमने कहना था कि ये पहले भी बाजी दोनों बाजियों में बैठता रहा रात को अंधेरे में, तो वो भी जो है ना वो अंधेरे में बैठ जाएगा आज भी, मतलब अंधेरे में बैठ जाएगा। बाकी जिस तरह का आज काम बना हुआ है, कबूतर नीचे से नहीं बैठे थे और ऊपर वाले अभी तक निकले ही नहीं, तो यहाँ पर जाकर थोड़ी सी गेम जी ख़राब हो रही है। बाकी अल्लाह खैर करे अब दोस्तों, क्या कह सकते हैं, सारे मालक के हाथ में काम है जी, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे वो भी कबूतर निकल के आके दोनों बैठेंगे जी। उम्मीद तो बड़ी है इंशाल्लाह वो बैठेंगे, क्योंकि ये टाइम उस रामपुरी का है, ठीक है जी, ये टाइम उस रामपुरी का हो गया बैठने का। तो आज गर्मी भी अच्छी बड़ी दोस्तों, अच्छा बड़ा टेम्परेचर जो है ना वो आज लगा हुआ था। बाकी मैं दोस्तों छत पर जाता हूँ, ये देखिए 17 कबूतर भी आ रहा, बाकी मैं छत पर जाता हूँ आपके साथ भी तरह शेयर करता हूँ ये कौन कौन से जो है ना वो बैठे हैं। पहले भी वैसे मैंने चले दिखाए हुए हैं, जो हमारे न्यू भाई हैं न्यू स्क्रीन है जो, उनको भी जो है ना वो देख के पता चल जाएगा जी।
ये देखें, ये पता नहीं किसने नीचे से उड़ा दिया है, तो ब्लैक सा कबूतर, ये काम ख़राब हुआ है। बाकी खैर दोस्तों, ये माशाल्लाह से बैठा है जी हमारा 20 नंबरी शहजादा, बाजी के अंदर माशाल्लाह से ये बैठा था, रामपुरी बैठा था 5:15 पे, और ये बैठा था 5:36 पे परसों, ठीक है। और कल की बस डक मैंने इनको दी है जी, और आज फिर उड़ाया क्योंकि सुबह मौसम ख़राब था, सुबह मैंने उड़ाना था इनको, बाकी सुबह मौसम कल मौसम ख़राब है, इसलिए आज इनकी फित ली है जी, और आज ये बड़े लंबे हो गए हैं। ये देखें, ये उस्ताद खालसा वाला भी आ रहा है जी नीचे माशाल्लाह से, ये देखें। चल चल आ जा शहजादा नीचे। इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था परसों बाजी के अंदर जब उड़ा था ना, तो माशाल्लाह से बड़ा फ्रेश बैठा था आगे, आज टेम्परेचर बड़ा लगा हुआ है। ये देखें नीचे चूंचे मार रहा है ज़मीन पर, ये देखें दोस्तों आज इतनी गर्मी थी, ये नज़र आ रहा है, ये देखें। तो बाकी खैर जी, आ जा शहजादा तू भी नीचे आ जा, इनको ज़रा मैं पहले अंदर कर देता हूँ, थोड़ा सा इनको फ्रेश करते हैं जी, ताकि इनकी थोड़ी सी गर्माहट जो है ना वो दूर हो गर्मी, तो फिर जो है ना इनको पानी शानी इंशाल्लाह पिलाएंगे, पलटाई शलटाई करेंगे, ताकि इनकी हीट जो है ना वो सारी निकले, ताकि ये जो है ना फ्रेश हों जल्दी से। ये देखें, ये तो बड़ी मेहनत अभी करनी पड़ेगी। बाकी ये कबूतर हमारे बैठ जाए पूरे, इंशाल्लाह संभाल तो हम लेंगे जी। अच्छा अच्छा शहजादे नीचे आ जा। तो बाकी दोस्तों, अब ऊपर वालों का थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, चलें बाकी आगे अल्लाह पाक के पास है, सारे काम आके अल्लाह पाक के हाथ में है जी, अल्लाह खैर करे जी। हमारे दोनों कबूतर बाजी वाले दोस्तों मेन कबूतर हैं, तो निकल के आ जाएं तो अच्छी बात है जी। ये तो 17 कबूतर आ रहे हैं जी, देखे सामने आ गया माशाल्लाह से, ये तो अब तो भाग ही आ रहा है, ये देखें जी अभी तो भाग ही आ रहा है जी, तो बस आ जाए भागा तो अच्छी बात है, ज़रा बैठ जाए घर। तो ठीक है दोस्तों, जिस तरह फिर आके बैठता है कोई भी कबूतर, मैं उसका शेयर करता हूँ। तो ले दोस्तों, एक और कबूतर जी ऊपर से निकल आया, लाल आंख वाला माशाल्लाह से, दोस्तों लाल आंख वाला माशाल्लाह से निकल के आया जी ऊपर से, और सितारे कबूतर के साथ तकरीबन लग गया, थोड़ा सा ही हाइट में रह गया जी उससे, और रामपुरी पास जी रह गया अभी ऊपर, जो कि आसमान बंद है जी, रामपुरी का देख रहे हैं, रामपुरी भी सामने आ जाए ना तो फिर इंशाल्लाह खैर है, फिर बैठ जाएगा जी आके। कबूतर ऊपर से शो हुआ हो ना तो फिर दोस्तों कोई और बात होती है, अगर शो ना हुआ हो तो फिर रात के टाइम पे आपको पता है खुदा ना खास्ता कुछ भी मसला जो है ना वो बन सकता है उस कबूतर के साथ। तो बहरहाल दोस्तों देख रहे हैं, अल्लाह पाक के रंग जी, देखे जोड़ी माशाल्लाह से ये लग गई है जी आके। ये मैं थोड़ा सा आपके साथ ज़रा क्लियर करने की करूँ, ज़रा ये देखे दिखाऊँ अगर, तो ये देखे दोस्तों नज़र आ रहा है जी कैमरे के अंदर, ये है माशाल्लाह से जी, ये 17 कबूतर है जी हमारा, ठीक है जी माशाल्लाह से, और ये है जी लाल आंख वाला माशाल्लाह से शेरू, ठीक है जी। तो बाकी ठीक है दोस्तों, ज़रा और मज़ीद नीचे आ लें फिर आपसे शेयर करता हूँ मैं। काफ़ी स्पीड से ऊपर से निकल के आ रहा है शेरू, मैंने आपको पहले बात की थी कि शेरू और रामपुरी ये दोनों ने जब ऊपर से जब मतलब बैठने करनी है ना, तभी इन्होंने ऊपर से शो होना है, वैसे नहीं होना। तो माशाल्लाह से जैसे शो हुआ है ना, तो शेरू जो है ना लाल आंख वाला जो कबूतर है, शेरू भाग के ही आ रहा है जी, सारे कबूतर को भी छोड़ के आ रहा है। बाकी कोई नहीं, खैर दोस्तों नीचे और आता है, मज़ीद मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ले दोस्तों, ये जी माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो शेरू आ गया निकल के, ये देखें ये माशाल्लाह से बैठ रहा है दोस्तों, आ गया काफ़ी नीचे आ गया जी, ये देखें माशाल्लाह से जी। और 17 कबूतर फिर थोड़ा सा ऊपर को हो गया, और दोस्तों बड़ी ही बारीकी के अंदर मुझे एक वाइट सा कबूतर नज़र आया हमारा रामपुरी है। वैसे ये है कि वो नीचे से कलपोटा मतलब नज़र आता है ब्लैक दुम वाला, तो अब जो है ना वो देखते हैं कि कबूतर जो है ना वो अब रामपुरी है या ऊपर वाला कोई और है। तो बहरहाल ये जी हमारा माशाल्लाह से आया शेरू जनाब, ये देखें ये शेरू है या रामपुरी है, ये देखें दोस्तों रामपुरी लग रहा है मुझे, क्योंकि इस तरह के पार उसके हैं। तो बहरहाल देखते हैं, शेरू भी इस तरह का ही है, क्योंकि जो ऊपर नज़र आया वो वाइट कबूतर है बड़ी बारीकी के अंदर जो नज़र आया, ये मुझे शेरू लग रहा है। बहरहाल जी ये काफ़ी नीचे अब तो आ गया कबूतर, दरअसल दोनों जो है ना इस तरह के ही हैं। तो रामपुरी जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो मतलब ब्लैक शेड के अंदर है, उसकी दुम आपको पता है दोस्तों जिस तरह से ब्लैक है। बहरहाल देखते हैं जी।
ले दोस्तों, अब तो काफ़ी नीचे आ गया। ये शेरुई है जी, रामपुरी जो है ना वो अभी ऊपर ही है। ये शेरुई है, ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों आ रहा है जी बैठने पे। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, बड़ी अच्छी टाइमिंग लगा के आ रहा है जी। बाकी एक मरतबा तो इन्होंने जाना जान ही निकाल दी थी कि इतना टाइम हो गया और नज़र ही नहीं आ रही है जोड़ी ऊपर से। बाकी माशाल्लाह से जी ये दोस्तों बैठने लगा बिल्कुल। अब तो बेचारे से जी कुंदे ही नहीं चल रहा है। देखे ना दोस्तों, आज गर्मी का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा था और जोर हो गया था परिंदे का उड़ उड़ के। बिस्मिल्लाह, ये माशाल्लाह से दोस्तों हमारा शेरू बैठ गया जी। और रामपुरी भी इसी तरह का है ना, वो ब्लैक दुम है उसकी, ज़रा उसकी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। और वो पर भी आपको पता है जिस तरह बाज का इस तरह का, उसका थोड़ा सा लंबा कुंदा। बाकी जो काली इसकी सिलाइयाँ देख रहा था ना ब्लैक में, और इसके उड़ने का स्टाइल जो बता रहा था कि जिस तरह ये बड़ा स्लो स्लो कुंदा चला रहा था, और इस तरह जो है ना वो हमारा रामपुरी भी आपको पता है दोस्तों जिस तरह से ये जो है ना वो उड़ता है। बाकी सितारा कबूतर फिर बड़ी हाइट में चला गया, वो देखें दोस्तों बड़ी बरीकी में चला गया जी। सितारा कबूतर उससे भी बड़ी हाइट में, बरीकी के अंदर बिल्कुल ज़ीरो में दोस्तों नज़र आ रहा है। एक वाइट सा कबूतर है जो कि चल फिर रहा है, ऊपर उड़ रहा है जी। तो बहरहाल अल्लाह करे जी हमारा रामपुरी हो, ठीक है तो अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों कबूतर आपको पता है जिस तरह से हमारे पास पहले जी शटिंग है कबूतरों की, ये भी जो कबूतर है आपके सामने 20 कबूतर हैं जी टोटल सारे, जिनके साथ हम सारी गेम खेल रहे हैं। ये देखें यही है कबूतर। और ये जो इस साइड वाले हैं ये तो बस मुसाफिर खाना है, ये पकड़ा पकड़ाई वाले सारे कबूतर हैं। ये नहीं हमारे कोई भी लगे लगाए कबूतर इस साइड वाले जो बड़े जाल में है, ये सारे पकड़े पकड़ाई हैं। तो बहरहाल दोस्तों शेरू भी माशाल्लाह से बैठ गया जी, और टाइम भी 5:29 हो गए हैं ये देखें। और एक घंटा यूँ समझ लें कि दिन जो है ना वो पीछे रह गया, और एक घंटे के अंदर अंदर दोनों कबूतर बैठ जाएँ तो अच्छी बात है। सितारा कबूतर तो चले रात को जाना अंधेरे में घुस जाता है, पहले भी बैठता रहा अंधेरे में। एक दिन तो 7:15 माशाल्लाह से बैठा था। और रामपुरी का जो है ना वो थोड़ा सा डर खतरा लग रहा है, रामपुरी बैठ जाए तो अच्छी बात है जी। तो बहरहाल ठीक है दोस्तों, जिस तरह फिर वो भी आते हैं नीचे बैठने के, मैं आपको दिखाता लें दोस्तों। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, रामपुरी भी सामने आ गया। रामपुरी भी जी सामने कबूतर जो है ना वो सामने आ गया माशाल्लाह से दोस्तों, भाग ही आ रहा है जी। बिस्मिल्लाह, मज़ा आ गया दोस्तों, चस आ गई है यकीन माने शौक की। ये देखें ये जी आ रहा है जनाब सितारा कबूतर, ये देखें ये घूम रहा है आपके सामने, ये देखें दोस्तों। पर अभी खैर कैमरे की हाइट से ज़्यादा ऊँचा है रामपुरी, वो देखें बड़ी हाइट में है दोस्तों, नहीं तो मैं कैमरे में जो है ना वो शेयर कर ही देता सब भाइयों को जी। बाकी दोस्तों कोशिश मैं करता हूँ, ये देखें जी फुल दोस्तों जूम जो है ना मैंने कैमरा किया हुआ है, बाकी बरीकी में नहीं जी। अभी कैमरा जो है ना कैप्चर कर रहा है इसको रामपुरी कबूतर को, वो भी हाइट में। बहरहाल ये है जी दूसरा सितारा कबूतर, ये देखें ये तो खैर नज़र आ रहा है कैमरे में वाजह माशाल्लाह से। ये देखें ये जा रहा है जी रामपुरी, सॉरी सितारा कबूतर, ये है जी माशाल्लाह से दोस्तों। और बड़ी यकीन माने खुशी हो रही है मुझे कि रामपुरी कबूतर यार निकल आया। यकीन माने दोस्तों आज की गलती जो है ना वो सुबह लेट उड़ाने वाली जो है ना वो बड़ी बहुत ही बड़ी दोस्तों मिस्टेक जो है ना मुझसे हुई है आज जी। और ये मैं सारी जिंदगी भर जो है ना मैं नहीं भूलूंगा मिस्टेक ये वाली। कबूतर दोस्तों परवाजे चढ़े हुए हैं, फिरते हैं लगी हुई हैं कबूतरों को अच्छे तरीके से, फिर खुराके लगे हुए हैं जी ठीक है। और परसों की बाजी में आपको पता है नुस्खाबाजी भी हमने थोड़ी बहुत की हुई थी और वो भी हुई है। और मुझे ये था कि परसों जोर लगाया हुआ है कबूतरों ने, और आज जो है ना वो कबूतर मतलब जल्दी बैठ जाने। और सुबह मैंने आपको बोला भी था, शेयर भी किया था साथ कि रामपुरी जो है ना वो थोड़ा सा लूज है ठीक है। तो जब मैंने देखा ऊपर से निकला है माशाल्लाह से, फिर मैंने जी इन कबूतरों को दाना डाल दिया जो दूसरे कबूतर हैं ठीक है, लाख को भी डाल दिया साथ में दूसरे कबूतरों को भी डाल दिया। क्योंकि लाख को अगर मौसम सुबह क्लियर हुआ साफ हुआ तो इंशाल्लाह लाख को फिर दोबारा से फिरत लेंगे एक जी ठीक है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लाख को जो है ना वो आगे लेके आने की। तो बाकी दोस्तों रामपुरी माशाल्लाह से निकल आया जी, बड़ी यकीन माने खुशी हो रही है दोस्तों। बाकी आगे खुशी ये जो है ना वो मतलब दुबली करे बैठ के ठीक है, तो फिर ही मज़ा है। अब दोस्तों जिस तरह फिर और नीचे आता है मैं ऐसा शेयर करता हूँ। टाइम भी 6:07 हो गए हैं जी, तो रोजे का भी आ गया दोस्तों, टाइम और है। तो जिस तरह फिर दोस्तों और नीचे आता है बैठने करता है मैं आपको दिखाता हूँ। लें दोस्तों रामपुरी जी माशाल्लाह से आ रहा है भागदा हुआ,
ये देखें जी, ये रामपुरी माशाल्लाह से दोस्तों आ रहा है। ये देखें, और मैं नीचे से छेड़े छुड़े जी करवा रहा हूँ हल्की फुल्की सी, ताकि जो है ना वो कबूतर जो है ना इजीली जल्दी घर बैठ जाए। ये देखें दोस्तों, ये आ रहा है जी माशाल्लाह से। ये देखें, सारा कबूतर हाइट में हो गया जी, ऊंचा हो गया। बाकी ये रामपुरी जो है ना, ये माशाल्लाह से घर सीधा बैठ रहा है। ये माशाल्लाह से दोस्तों आ गया, तो बीट मारी है जी इसने। ये देखें जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह से दोस्तों आ गया रामपुरी कबूतर। बाकी ये देखें, ये माशाल्लाह से दोस्तों ये बैठ गया जी बिस्मिल्लाह से। ये दोस्तों रामपुरी कबूतर हमारा बैठ गया जी, और सतारा कबूतर हमारा रह गया, कोई नहीं इंशाल्लाह वो भी आ जाता है जी। और टाइम दोस्तों आपके सामने, ये देखें रात पड़ गई है जी, अंधेरा हो रहा है दोस्तों हर तरफ से। अब तो टाइम भी 6:52 जी हो गए हैं, 6:52 पर माशाल्लाह से जाके मारा जी ये रामपुरी कबूतर बैठा। तो बहरहाल दोस्तों, ज़रा टाइम नहीं मैं वेस्ट करता, ज़रा मैं दूसरे कबूतरों को बाहर जो है ना वो निकाल लूँ जल्दी से फटाफट से, ताकि जो है ना वो प्रेशर बांध के इनके, ताकि ऊपर वाला भी जो है ना वो जल्दी सतारा कबूतर आके बैठे मारे। दोस्तों ये माशाल्लाह से मारा सतारा कबूतर भी आ गया जी। ये देखें, ये माशाल्लाह से दोस्तों बैठ रहे आगे। ये देखें जी माशाल्लाह से नज़र आ गया जी। ये मुझे इस पर पूरा इत्माद था, पूरा यकीन था ये जो है ना ज़रूर बैठेगा इंशाल्लाह से घर अपने आके जी, क्योंकि ये पहली भी एक फित जो है ना दोस्तों रात को बैठा था जी अंधेरे के अंदर लाइटों में। बाकी ये माशाल्लाह से जी आज भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जी उड़ के आके बैठ रहे। ये बैठ गया जी माशाल्लाह दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम ले के जी बैठ गया जी माशाल्लाह से हमारा सतारा कबूतर भी जी। ये देखें जी, इसका टाइम है जी 7:12 हो गए हैं। उस दिन भी पिछली एक भी फित में ये जो है ना माशाल्लाह से 7:15 बैठा था जी। ये माशाल्लाह से दोस्तों बैठा हुआ है जनाब आके। तो एक मरतबा तो इन्होंने यार दोस्तों इतना काम खराब कर दिया था, यकीन माने मैं कुछ ना पूछे कि मेरी हालत जो है ना वो क्या हो रही थी इस वक्त, कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं जो है ना सुबह सो क्यों गया हूँ। बस थोड़ी देर सोने की वजह से जो है ना वो ऐसा काम डिस्टर्ब हुआ है जी, ऐसा डिस्टर्ब हुआ है। बस ये 1.5 घंटा मेरे ख्याल में जो है ना वो कबूतर मैंने लेट उड़ाए, और 1.5 घंटा लेट उड़ाने की वजह से कबूतर आके सामने कितना लंबा होकर बैठे हैं जी। ये देखिए, ये जनाब रामपुरी बैठा हुआ है माशाल्लाह से दोस्तों। रामपुरी मैंने सुबह देखा था, और मैं यही बात कर रहा था उड़ाते समय कि ये रामपुरी थोड़ा सा लूज़ है, तो देख ले माशाल्लाह से जो लूज़ रामपुरी मैं बोल रहा था आपको, माशाल्लाह से रात को अंधेरे के अंदर जी निकल के आया। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जी इसने भी परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी जी, और सतारे कबूतर ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जी। सतारा तो खैर, ये सतारा कबूतर तो दोस्तों आपको पता है जिस तरह से ये 2 बजे के टाइम पे जो है ना वो नीचे आ जाता है, और आज जो है 2 बजे आके नीचे 20 नंबरी बच्चे के साथ, 20 नंबरी पट्ठे के साथ ऊपर नीचे बस इसी तरह से हो रहा था। तो फिर भी जो है ना वो नहीं बैठा, लंबा हो गया था, तो 20 नंबरी भी आके सामने जब बैठा था आके, और दूसरा बेड़ा ये पकड़ा हुआ था कबूतर हमने, तो ये भी माशाल्लाह से जी आज पहले दिन उड़ा था। ये खुद ब खुद ही निकल गया था, मैं सफाई कर रहा था और मैं इधर पता नहीं गंद रखने गया हूँ साइड में, और ये पीछे दरवाज़ा खुला रह गया, जनाब उड़ गए थे आसमान से हो गया है माशाल्लाह से पहले दिन ही जी। तो बस ठापे छापे मार रहे इनको, फिर मैंने बाहर निकाल दिया था जी आज, अभी मतलब बाहर निकाला था ताकि जो है ना ये सतारा कबूतर भी बैठ जाए। तो दोस्तों रामपुरी आपने देख लिया जिस तरह से ये बैठा हुआ है, और सतारा कबूतर भी जिस तरह से आता है वो मैं दिखाता हूँ आप। तो लें दोस्तों, ये जी माशाल्लाह से है सतारा कबूतर हमारा, ये देखें ये जो के जा रहा है, और ये रामपुरी है दाना जरा मैं फेंक रहा था नीचे दूसरे कबूतरों को डाल रहा था। ये देखें बिल्कुल मेरे हाथों के अंदर आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह से। तो ये रामपुरी है जी, और ये सतारा कबूतर है, इसको वो जो है ना अभी चौकस है सतारा कबूतर जो है, रामपुरी की थोड़ी सारा जो है ना वो डाउन हुई है। बाकी कोई मसला नहीं, खैर दोस्तों इनको ज़रा मैं अंदर करता हूँ, ये देखें ज़रा। चलो 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 शहजादे, अभी नहीं दाना खाना, अभी नहीं खाना, ज़रा अभी अंदर जाओ, ज़रा रिलैक्स करो 10 मिनट, पहले रिलैक्स हो थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह आपको खुराक शुराक खिलाएंगे जी, पूरी सेवा करेंगे इंशाल्लाह आपकी। तो माशाल्लाह से दोस्तों पूरे हुए हैं जी हमारे कबूतर, ठीक है जी जो उड़े हुए थे। तो यार अंदर जाए ना ज़रा, ये देखें ज़रा इनको मैं दोस्तों ज़रा अंदर कर लूँ पहले,
ये देखें अंदर नहीं, एक तो जा रहे, ज़रा थोड़ी देर रिलैक्स करके ना, तो फिर इंशाल्लाह इनको जाना, मैं संभालूंगा सारा कुछ करूंगा, ज़रा थोड़ा सा ये रिलैक्स हो लें। तो बाकी ठीक है दोस्तों, ये थी जी आज की वीडियो। माशाल्लाह से हमारे कबूतर थे ऊपर, और यकीन माने जान पर बनी हुई थी कि यार हमारे पास कबूतर भी चंद है, शार्ट से कबूतर है, और ये आज जाना काम क्या बन गया। बाकी फिर भी जी अल्लाह पाक के फजल करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना वो कबूतर पूरे हो गए हैं सारे फिर आज। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कबूतरों की परफॉर्मेंस के हवाले से आज बताइएगा आपको कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।